एंड VSY वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव। वेस्ट इंडीज ने गुरुवार से त्रिनिदाद में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए टीम में बदलाव किया है। उसने बल्लेबाजी ऑलराउंडर रेमन री बाहर कर दिया। रीफर के स्थान पर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर केविन सिंक्लेयर को टीम में शामिल किया है। वेस्ट इंडीज के लिए 7 एक दिवसीय और 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले सिंक्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का। डोमिनिका में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी के अंतर से हार के बाद वेस्ट इंडीज ने सिंक्लेयर को रीफर की जगह शामिल करके टीम में एकमात्र बदलाव किया है। रीफर हालांकि चोटिल खिलाड़ी के कवर के रूप में टीम के साथ रहेंगे। सिंक्लेयर इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज ए के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। वो जिम्बाब्वे में ICC विश्व कप क्वालिफायर के लिए भी वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा थे। कॉर्नवॉल टीम में बरकरार वेस्ट इंडीज की टीम भारत में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। पहले टेस्ट के दौरान छाती के संक्रमण से परेशान रहे ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवॉल को टीम में बरकरार रखा गया है। ये देखना होगा कि पहले टेस्ट में स्पिन की अनुकूल पिच के बाद वेस्ट इंडीज दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए किस तरह की पिच तैयार करता है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा 100वां टेस्ट। रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट में स्पिन का जादू चलाते हुए मैच में 12 विकेट चटकाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए, जिससे मैच 3 दिन के भीतर खत्म हो गया। यह मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 100वां टेस्ट भी होगा। दूसरे टेस्ट के लिए वेस्ट इंडीज की टीम क्रेग ब्रेथवेट कप्तान, जमेन ब्लैकवुड, अली कथानाचे, तेज नारायण चंद्रपोल, रहकीम कॉर्नवॉल, जोशुआ डा सिल्वा, शेनन गैब्रियल, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, कक मैकेंजी, केविन सिंक्लेयर, केमार रोच और जोमिल वॉरिकन एक दिवसीय विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। पहले टेस्ट के दौरान छाती के संक्रमण से परेशान रहे ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवॉल को टीम में बरकरार रखा गया है। ये देखना होगा कि पहले टेस्ट में स्पिन की अनुकूल पिच के बाद वेस्ट इंडीज दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए किस तरह की पिच तैयार करता है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा 100वां टेस्ट। रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट में स्पिन का जादू चलाते हुए मैच में 12 विकेट चटकाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए, जिससे मैच 3 दिन के भीतर खत्म हो गया। यह मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 100वां टेस्ट भी होगा।